जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक, इसका नाम है रियलमी 7 और आप देखना शुरू कर चुके हैं AR अनबॉक्स। रियलमी 7 में मिलता है आपको गूगल डायलर जो कि बहुत ही ईमानदार डायलर है। इसमें आपको कॉल रिकॉर्डिंग जो मिलती भी है, ये डायलर कुछ कॉल को रिकॉर्ड करने से पहले सामने वाले को बता देता है कि कॉल रिकॉर्डिंग मैंने शुरू कर दी है। बट दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप रियलमी 7 या रियलमी के किसी भी डिवाइस में जिसमें आपको गूगल डायलर मिलता है उसको रिप्लेस करके रियलमी का जो ऑफिशियल डायलर है उसको कैसे डिफॉल्ट डायलर बनाएं। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग यूजफुल है, आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को आरंभ करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि हमारे चैनल पे Realme 7 की दो बैक कवर का गिव अवे चल रहा है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी जहां से जाके आप उस गिव अवे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आपको अपने फोन में Realme 7 का डिफॉल्ट डायलर यूज करना है, इंस्टॉल करना है, तो प्लीज वीडियो को स्किप मत करिए, क्योंकि एक भी स्टेप अगर आप स्किप कर देंगे तो आप इसको इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे और फिर आप लोग कमेंट करेंगे कि वर्क नहीं कर रहा है। अगर आपको अपने फोन में Realme का डिफॉल्ट डायलर यूज करना है, देन आपको ये 8 एप्लीकेशन डाउनलोड करके इंस्टॉल करने होंगे। सारे एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक एक करके यहाँ पे जितने 8 एप्लीकेशन है, सबसे पहले आपको उनको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको अपने फोन को एक बार रिस्टार्ट कर देना है। रिस्टार्ट करके जब आप ऑन करेंगे, देन आप देखेंगे कि आपको आपकी होम स्क्रीन पर ये 3 एप्लीकेशन मिल जाएंगे, जो कि एक मैसेज का एप्लीकेशन है, एक फोन का एप्लीकेशन है, एक कॉन्टैक्ट का है। इतना करने के बाद दोस्तों, आपको अपने फोन की सेटिंग को ओपन करना होगा। यहाँ सर्च टैब में जाके आपको यहाँ पे सर्च करना होगा डिफॉल्ट। सबसे नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा डिफॉल्ट ऐप का, ओपन कर लेना है। यहाँ से आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, फोन ऐप, SMS ऐप। फोन ऐप पे टैप करना है, आपके फोन में फोन होगा, आपको यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर देना है। सेकंड आता है SMS ऐप, यहाँ पे भी आपको मैसेज होगा, इसको जो रियलमी का मैसेज ऐप है उस पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ से क्लोज कर देना है। इसके बाद आप जितने भी कॉल्स आपके फोन में आएंगे आपको दोनों ऑप्शन आ जाएंगे। जैसे मैं आपको एज एग्जाम्पल दिखाता हूँ, अभी आप मैंने इस नंबर पे कॉल किया तो आपको गूगल डायलर शो होगा, बट ऊपर के साइड में आपको रियलमी का भी डायलर शो हो जाएगा। इस पर आप देखेंगे आपको यहाँ पे रिकॉर्ड का भी ऑप्शन आ गया। आप जैसे ही रिकॉर्डिंग पे टैप करेंगे, सामने वाले की तरफ से जो आवाज आएगी और आपकी अपनी आवाज दोनों इजीली रिकॉर्ड हो जाएगी। आपको यहाँ पे गूगल डायलर भी दिखता रहेगा, आप चाहें तो इसको सिंपली सा हाइड भी कर सकते हैं, अदरवाइज आपको इसको इग्नोर करना होगा। बाकी आपका जो रियलमी का डिफॉल्ट डायलर है वो वर्क करता रहेगा और आप यहाँ पे फिर से जैसे टैप करेंगे आपकी कॉल रिकॉर्ड हो जाएगी। रिकॉर्डिंग को सुनने के लिए मैंने आपको बताया है और वीडियो में इसमें बताता हूँ, फाइल्स को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको नीचे ऑप्शन मिल जाता है ऑडियो का, ऑडियो को आप ओपन करेंगे, देन आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा कॉल रिकॉर्डिंग का। मैं आपको कॉल रिकॉर्डिंग सुना देता हूँ कि क्या रिकॉर्ड हुई है या नहीं। जैसे ही रिकॉर्डिंग पर टाइप करेंगे, सामने वाले की तरफ से जो आप सिंपली सा हाइड भी कर सकते हैं, अदरवाइज आपको इसको इग्नोर करना होगा। बाकी आपका जो रियलमी, तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से आपको अपने रियलमी 7, रियलमी 7 प्रो, नार्जो 20 प्रो, रियलमी X7, जितने भी रियलमी के डिवाइसेज हैं जिसमें गूगल डायलर आते हैं, सब में सेम प्रोसेस करके आप इजिली रियलमी के ऑफिशियल या डायलर को यूज करके उनको डिफॉल्ट बना सकते हो और बहुत ही आसानी से आप कॉल रिकॉर्डिंग को यूज कर सकते हो। बट दोस्तों, अगर आपको ये 7-8 एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करने, इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना, तो मैंने एक वीडियो और बना रखी है जिसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि आप रियलमी के किसी भी फोन में केवल एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके बहुत ही इजीली अपने डायलर को चेंज कर सकते हो और उसमें आपको ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है जो कि बहुत ही स्मूथली वर्क करता है, आप उससे भी कर सकते हो। उस वीडियो की लिंक आपको ऊपर आई बटन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, वीडियो पर कमेंट करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर करना। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके यार बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि जब हम इसी तरह की नई वीडियो लाएं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।